अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम किसी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। असल में ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस जिसका मतलब है लाइफ, लोगोस जिसका मतलब थाट, रीजनिंग। मतलब ये कि किसी लाइफ के बारे में सोचना, उसके बारे में समझना, कोई जानदार किस तरह से बनता है, उसका काम करने का तरीका, किस तरह से किसी जानदार को किसी बीमारी से बचाया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियां एक जानदार को लग सकती हैं, इस सब के बारे में स्टडी करना, यह है हमारी बायोलॉजी। हमने किस तरह से महफूज रहना है इन चीज़ों से, जो कि एक जानदार चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, ये इसके बारे में स्टडी करना, ये है बायोलॉजी। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर वन, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। किसी लाइफ के बारे में फाइंड आउट करना, पता लगाना, उसकी स्टडी करना, ये है बायोलॉजी। द वर्ड बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थाट और रीजनिंग। तो मुकम्मल वर्ड बायोलॉजी का बना कि किसी लाइफ के बारे में पता लगाना है, उसकी वजह के बारे में पता लगाना, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके रिलेटेड, किसी जानदार चीज़ के रिलेटेड, तो ये इसकी स्टडी का नाम बायोलॉजी है। पॉइंट नंबर थ्री, इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट हाउ मैन हैज़ थाट अबाउट लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि एक आदमी, एक पर्सन, एक इंसान या फिर एक ज़िंदगी किसी के बारे में, किसी जानदार चीज़ के बारे में किस तरह से सोचती है, क्या ख्याल करते हैं। पॉइंट नंबर फोर, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर इट इज़ इसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुदरत ने, नेचर ने हमारे लिए जो कुछ बनाया, इसको समझने के लिए पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके उस जानदार चीज़ के हर पहलू को समझना ज़रूरी है। तो इस चीज़ की समझ, बूझ जो है, यह है बायोलॉजी। पॉइंट नंबर फाइव, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट एट्सेट्रा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी करना, इससे हमें पता चलता है कि इसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उससे हेल्थ से रिलेटेड, उसके फूड से रिलेटेड, उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, रीड आउट करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो इन शॉर्ट, मुख्तसर वर्ड में हम ये कहें कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कि बायोलॉजी क्या है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.